गुरुवे नमः। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। I am very grateful for giving me this wonderful opportunity to purify myself. मैं सब वरिष्ठ वैष्णवों को जो मुझसे उम्र में, मुझसे कॉन्शियसनेस में, मुझसे भक्ति में सीनियर है, उन सब का ब्लेसिंग्स पूछना चाहता हूँ मैं कुछ बोलने के लिए, मेरा उन प्यूरिफिकेशन के लिए। तो प्रभुपाद का एक आर्टिकल हमने पढ़ रहे थे, आर्टिकल का नाम है कृष्णास ब्लेसिंग्स इन द चैंटिंग ऑफ हिज नेम। आर्टिकल में प्रभुपाद बहुत अच्छे चीजें लिखते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाह रहे थे चैंटिंग के बारे में। तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द आर्ट ऑफ प्यूरिफाइंग अवर हार्ट। प्रभुपाद बताते हैं कि एक जैसे भगवत गीता में भी बताया कि कर्म कौशलम, सो इट्स एन आर्ट। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक आर्ट है जिसके माध्यम से हम हमारा हृदय को साफ कर सकते हैं। हृदय मतलब डिजायर। तो प्रभुपाद आर्टिकल में लिखते हैं कि जीव का डिजायर एक कॉम्पोनेंट है, मतलब वो डिजायर को हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। बट वॉट वी हैव टू डू इज वी कैन नॉट किल द डिजायर बट वी कैन प्यूरिफाई द डिजायर। प्रभुपाद एग्जैक्टली लिखते हैं किलिंग डिजायर इज नो सोल्यूशन बट क्यूरिंग डिजायर इज अ सोल्यूशन। क्यूरिंग डिजायर मतलब हम हमारा कंडीशन स्टेट से प्यूरिफाई होना, हमारे डिजायर्स को प्यूरिफाई करना। तो हमारे डिजायर्स को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमेशा हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में वर्क करना ही हमारा हार्ट को हम प्यूरिफाई करना और हमारा डिजायर को हम कंडीशन स्टेट से लिबरेट करना। तो आर्टिकल में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्णा 5000 इयर्स पहले कृष्ण ने आके हमको ये कौशलम, ये आर्ट दिए हैं कि हम कैसे धर्म को फॉलो करें, हम कैसे हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे। पर जब जब टाइम होते हुए, मतलब जैसे हम कलयुग में आते हुए, वो सब हम भूल गए थे। तो अगेन कृष्णा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके द सेम आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस को दिए हैं। कैसे? बाय कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। तो हर कोई इधर, हर कोई हमारे मटेरियल एग्जिस्टेंस में, हर कोई को इट्स ए ग्रेट स्ट्रगल। हम बहुत बार सुनते हैं ग्रेट स्ट्रगल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। सोसाइटी के हर कोई इसी स्ट्रगल को पार करना चाहते हैं दूसरे दूसरे तरीकों से। कोई कोई मटेरियल एडवांसमेंट के दौरान माध्यम से ये चार स्ट्रगल को पार करना चाहते हैं, कोई लिटरेचर के दौरान, कोई अपना एथिक्स, फिलोसफी, एजुकेशन, ऐसे बहुत तरीके से करने चाहते हैं। पर शास्त्र के हिसाब से देर इज ओनली वन प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है जिसके जिससे हम ये मेटीरियल स्ट्रगल को हम पार कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। वो क्या है? हरिम विना मृत्युम न तरंती। शास्त्र का वाक्य है कि हरिम विना मृत्युम न तरंती, हरि के बिना हम मृत्यु को कभी पार नहीं कर सकते हैं। जैसे भागवतम में प्रभुपाद लिखते हैं कि हरि का दो शब्द है, एक दो अर्ध है, एक भगवान का नाम हरि और दूसरा शब्द है कि संस्कृत में हरि मतलब शेर, लायन। जैसे एक लायन एक जंगल में प्रवेश करता है और वो गर्जन करेगा तो सारा छोटा छोटे जो भी जंतु होते हैं वो सब भाग जाते हैं डर में, वैसे ही हरि मतलब भगवान का नाम है। जब हम हरि का, भगवान का नाम लेते हैं तो जो भी अनर्थ है हमारे हृदय में, हम सिंसियरली जब भगवान का नाम लेते हैं वो सब हमारे हृदय से दूर हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी भी यही लिखते हैं कि सर्व कामो मोक्ष कामो उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन
तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत परमं परम। तो बताते हैं कि तीव्रेण भक्ति योगेन, तो एक ही तरीका है, जितने बहुत लोग बहुत तरीके से इसी का सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, पर ऑलरेडी ये सॉल्यूशन हमको शास्त्र में दिया है कि हरिम बिना मृत्यु न तरंती, भगवान के बिना हम ये चीजों को हम पार नहीं कर पाते, ये दुख से हम बाहर नहीं आ सकेंगे। तो ये एक आर्ट है। आर्ट मतलब क्या, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आर्ट में हम उतना परफेक्ट होंगे, तो ये भी एक आर्ट है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो एन आर्ट। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब भगवान का चैंटिंग ऑफ होली नेम्स। तो भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब हमारा हार्ट को प्यूरिफाई करना, हार्ट को प्यूरिफाई करना मतलब हमारा डिजायर को प्यूरिफाई करना, डिजायर को प्यूरिफाई करना मतलब हम हमेशा चैंटिंग एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास करना। तो चैंटिंग इज ए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन आर्ट, एंड ये आर्ट को हम कितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम ये आर्ट में उतना परफेक्ट होंगे। तो चैंटिंग के दौरान हम ये आर्ट को हम परफेक्ट कर सकते हैं, और इसके बिना और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रभुपाद ये आर्टिकल में लिखते हैं कि इनिशियली वी आर ऑल परफेक्ट, आई मीन प्योर बीइंग्स, प्योर स्पिरिट सोल, बट बहुत सारे मतलब हजारों हजारों जन्मों में हम ये भौतिक संसार के संग करने के वजह से हम कंडीशन हो गए हैं। वो कंडीशन के वजह से हमारा डिजायर अभी पोल्यूट हो चुका है। तो ये डिजायर को हम वो कंडीशन स्टेट से हमको हमको लिबरेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको हमारा डिजायर को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। उसके माध्यम से हम हमारा हार्ट को प्यूरिफाई करेंगे, उसके माध्यम से हम हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इन एसेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस और चैंटिंग ऑफ कृष्णास नेम इज कृष्णास ब्लेसिंग। तो ये भौतिक एग्जिस्टेंस हमको बाहर लेके आने के लिए हमको भगवान दिया हुए एक सुंदर ब्लेसिंग है ये भगवान का नाम लेना। तो हम हर दिन सुबह हम कितना अच्छा होगा उतना अच्छा से हम भगवान का नाम को लेने का प्रयास करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।